लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। युवती को प्रेम विवाह करना पड़ा महंगा, ससुराल वालों ने दी तालिबानी सजा। जी हां, यह मामला सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से, जहां थाना मदनपुर अंतर्गत ग्राम बेलवार घाट में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। ससुराल वालों ने ही अपनी बहू के साथ ऐसा कृत कर दिया कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बहू को तालिबानी सजा दी है। बहू का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्रेम विवाह कर लिया। इसका परिणाम यह निकला कि ससुराल वालों ने युवती को ऐसी सजा दी जो सोचने मात्र से ही सभी की रूह कांप जाएगी। R9 भारत टीवी स्क्रीन पर या इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। यह पूरा मामला है मदनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बेलवार घाट का। यहाँ के रहने वाले सतीश सिंह दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं, जहाँ पर युवती मोनिका चौहान ने प्रेम विवाह कर लिया। सतीश सिंह के घर वालों को नागवार लगा यह, और जिसे लेकर सतीश के घर वाले मोनिका चौहान के साथ हमेशा मारपीट किया करते थे। सतीश हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता है। सतीश के घर वाले मोनिका को किसी तरह रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप यह बड़ी घटना घटित हो गई। आगे बढ़ने से पहले आप देखिए मोनिका चौहान पीड़िता का क्या कहना है। कई महीनों से हमारे पास घटनाएं हो रही है, हमारे साथ स्कूल काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कल रात को भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको घटना हुई हमारे साथ, कि हमारे ससुराल वाले जो कि मेरे परिवार है 10-11 लोग थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। चाकू मारा गया है, मेरे प्राइवेट पार्ट में सिलेंडर डाला गया है, रोड डाली गई है, और काफ़ी लोगों ने वगैरह करके मेरे को बहुत मारा था। मेरा पति है उसके भी चाकू आपको मार के उसको भी काफ़ी मारपीट करी गई है। पुलिस वाले है कि कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली घुमा घुमा के तहरीर आपने दिया था ना। पहले भी काफ़ी उनको FIR दे चुके हैं, 10 FIR दर्ज हो चुकी है कम से कम। जो घटनाएं होती हैं सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। 5 महीने का बच्चा मारा गया मेरा 1 अप्रैल को, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। आपके साथ जो ये घटना घटी इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें मेरा ससुर, मेरा देवर छोटा वाला अभिषेक सिंह नाम है उसका, मेरी ननद है अनुराधा, मेरी चाची सास की लड़की है गोल्डी, मेरी चाची सास है। कभी घटना है ये? ये कल रात की घटना है, टाइम का तो पता नहीं, इतना पता है कि ढाई बजे के बाद। क्या कारण क्या रहा घटना? कारण कुछ नहीं था, हम तो सो रहे थे, जो हमेशा सोते हैं छत पे, बिजली पानी लाइट सब काटा हुआ है इन लोगों ने, तो बाहर ही सोते हैं। टूटा हुआ पलंग दे रखा है, उसी पे सोते हैं, चारों तरफ ईंट लगा देते हैं, सो जाते हैं। बस सो रहे थे, हमला हो गया, मेरे को मुँह बांध कर मेरे को लेके चले गए सीधों की तरफ। मेरा देवर अभिषेक सिंह, मेरा एक मामा है जितेंद्र, और एक चाचा मेरा छोटा वाला, इन सबों ने मेरे को मारपीट कर रहे थे। मेरी सास थी वो मार रही थी लातों से, और छोटी चाची सास है वो मेरे को लातों से मार रही थी, ननद है मेरे को वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, हाथ पकड़ पकड़ के बांध के बिल्कुल कस रखा हुआ था। और जो पति है मेरा उसको मेरा ससुर और एक दो मामा और हैं, इनका नाम शेषनाथ है, एक मामा है उनको मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम होट कट रहा है उनका, तो नाम उनका क्या है, क्या नाम आपका? इंद्रजीत नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका चौहान है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वैसे तो दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन ससुराल मेरा बिलवार घाट में पोस्ट रुद्रपुर है, थाना मदनपुर है। वहीं दूसरी ओर सतीश सिंह पीड़िता का पति यूपी के देवरिया में लव मैरिज शादी का एक ऐसा मामला यह सामने दिख रहा है, जिसमें लड़की के दलित होने की वजह से ससुराल वालों ने लड़की को न केवल मारा पीटा है, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी कर दिया है। मामला पुलिस महकमे में जा पहुंचा है। यह लड़का ठाकुर जाति से है और दिल्ली में नौकरी करता था, तभी 8 साल पहले उसने दलित लड़की से शादी करी थी, और उसके बाद यह कांड हुआ है। सबसे पहले बात मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे, हमने लव मैरिज करा है, और मैं बेलवार घाट का रहने वाला हूँ, और ये मेरी पत्नी है मोनिका चौहान, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। हम लोग अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी रहे थे। मेरे माता पिता को आपत्ति थी कि ये छोटी कास्ट की हैं, चौहान हैं, तो आपने शादी क्यों करी? फिर भी जो है, चूँकि मैं, मेरा बिज़नेस था गुड़गांव में, मेरा सब्जी का ऑनलाइन बिज़नेस था, और मैं एक बड़ी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब कर रहा था, फ्लिपकार्ट में,
तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पे एक अच्छी इनकम ले रहा था गुड़गांव में। तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है, चूँकि घर वालों को हमेशा पैसा देते थे, घर वाले हमेशा वहाँ गुड़गांव आते थे, मैं खुद फ्लाइट का टिकट बुक करता था, स्लीपर बस का टिकट बुक करता था, मम्मी पापा का। कब की है? सर वहीं से स्टार्ट हुई थी, गुड़गांव से ही स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहली गलती हमारी ये हुई सर कि माँ बाप शुरू से चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसको छोड़ दूँ और बेटी को छोड़ दूँ। उसके बाद से सर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी दूसरी शादी भी कराना चाहते हैं लोग। फिर उसके बाद सर मैंने जो है जनवरी में मैंने अपने भाई को बुलाया। किसने मारपीट किया? सर सबसे पहले वहीं से बात शुरू हुई थी। जितना पूछा था उतना। जी किसने मारपीट किया है? मारपीट सर घर पे सभी लोग कर रहे हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा हैं जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, हरि नारायण सिंह, और जो मेरा छोटा भाई है वो तो SP ऑफिस में भी मेरा सर फोड़ चुका है पहले भी, उसके ऊपर FIR सर कम से कम 6 FIR है। उसके बाद से सर जो है मेरे मामा, जो सगे मामा हैं और जो दूर के रिश्ते में मामा लगते हैं, इंद्रजीत सिंह से मारपीट हुई है। मारपीट कब हुई है सर? पहले भी कई बार हो चुकी है और कल रात में तो ये ऐसा हुआ कि हम लोग रात को 1 बजे के आसपास हम लोग फिल्म देख करके सोए, क्योंकि छत मेरा पूरा खुला हुआ है और मेरे चाचा जो है 1 सप्ताह से दूर रह रहे थे, पहले उसी मकान में रहते थे, अब दूर रहने लगे थे। तो हमें गुड़गांव जाना था कि ये था कि हम यहाँ रहेंगे तो हमें चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग गुड़गांव जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच सर क्या हुआ कि जब हमें जो है हम रात को 1 बजे के आसपास सोए और सोने के बाद से सर तकरीबन कुछ अराउंड 2:30 से 3 बज रहा होगा उस टाइम पे, तो जो है मैंने जो देखा कि मेरी वाइफ जो है मेरे पास नहीं है और मेरे ऊपर किसी ने रॉड से मारा है मेरे पैर पे, और मेरे जो पापा हैं, मेरी जो चाचा की लड़की है, वो मेरा जो है सर तकिए से दबा रखा है, और जो मेरे दो मामा और हैं शेषनाथ सिंह, इंद्रजीत सिंह, वो मेरे को अलग डंडे से और एक चाकू था इंद्रजीत सिंह ले रखा। क्या चाहते हैं आप? सर देखिए सर अब तक 10 FIR हो चुकी है, ठीक है, हर बार मारते हैं। मैं कह रहा हूँ सर देखिए, जो भी कानून है वो, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कम से कम एटलीस्ट गिरफ्तारी तो हो। एक बार गिरफ्तारी हो तो कम से कम आदमी को समझ में आ जाए हमारा 5 महीने का बच्चा मार दिया। क्या भूमिका है इसमें? सर पुलिस की भूमिका बिल्कुल, मदनपुर पुलिस जो है सचो साहब हमेशा NCR करके भेज देते हैं, हमारे साथ मारपीट भी होती है, कैसा भी मारपीट हो वो NCR करके भेज देते हैं, हमें गुमराह करते हैं, 2-2 दिन थाने में बिठा के रखते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम बेटी के साथ। क्या नाम आपका? नाम क्या? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है सर। पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा है R9 भारत TV स्क्रीन पर, देखें यह बड़ी खबर। ये जनपद देवरिया में मदनपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है जिसमें एक पीड़िता द्वारा अपने ही परिवारजनों, सास ससुर, देवर ननद इत्यादि पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में मदनपुर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और विवेचना चल रही है, जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।